हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। वी आर बैक अगेन विद द अनदर वीडियो। गाइज, आपको बता दें कि अभी तक जो हम लोग ब्लू ग्रुप देख रहे थे वो बिल्कुल डिफरेंट था। इस समय जो ब्लू ग्रुप देखने वाला है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इस ब्लू ग्रुप में आपको सब रीशफल हुई हुई टीम दिखेंगी। तो गाइज, वीडियो के साथ बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग। और हाँ, कई लोग बोल रहे थे कि ये GS वाले बहुत अच्छा डोमिनेट कर रहे हैं, तो गाइज इस पर भी एनालिसिस चल रही है अभी, क्योंकि कई लोग ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोल दी हैं, तो देखना पड़ेगा क्योंकि स्मोक में भी फायर हो रही है। तो चलो गाइज, इस वीडियो के साथ बने रहना। तो गाइज, वो वीडियो भी मिस मत करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, और डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। हो भाई, क्या भसड़ चल रही है भाई। मिलिट्री बेस का एरिया बन चुका है गाइस जोन में, लेट्स सी क्या होता है। निंजा बॉय को पता है कि यहाँ से निकल नहीं पाएगा, लेकिन ये किल जो चाहिए वो चाहिए उसे बस। तो भाई, जोन का शिफ्ट अब आ रहा है, और भाई टीटी फिर से अच्छा गेम प्ले दिखाई, और TWM जिनसे बहुत उम्मीदें कर रहे थे हम, क्योंकि उनका अभी तक कोई बढ़िया गेम नहीं देखने को मिला था, तो इस गेम में अभी तक फिलहाल वो 4-man स्क्वाड है। लेट्स सी क्या होता है। कोई और ऑप्शन नहीं है भाई, जोन जोन शिफ्ट ले रहा है भाई, जोन अलग ही शिफ्ट लिया हुआ है भाई। 7 Shore इनके पीछे है भाई, टीटी के। कोई नहीं, टीटी को अभी सहारा मिला हुआ है, लेट्स सी क्या होता है। TWM भाई क्या खेली आज, मजा आ गया भाई। बहुत उम्मीदें थी इस टीम से, आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी बात की है इसके बारे में कि TWM को खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे उम्मीदें बन गई है हमारी। ओ भाई, फ्लैश यहीं पे अभी। ओ निंजा बॉय अब आ रहा है, ओके डेस्टिनी ले गया। 4 finishes लॉबस्टर के पास, फ्लैश अभी भी हिल बैटल कर रहा है, एक ही फर्स्ट एड है। तरह से आसान करी है पहले मैच के बाद, बट अभी फ्लैश बचे हुए। चलो नहीं मार पाया, कोई नहीं। ओ नॉक कर दिया, कोई नहीं, वेल प्लेड, कुछ कर नहीं सकता था। 11 finishes हो गए भाई, बहुत अच्छा किल मैक्सिमाइज किया इन्होंने, अच्छा किया। अच्छा चिकन डिनर चाहिए था भाई TWM को। हो सकता है ये जो ग्रुप था उनको पनौती लगा होगा रेड ग्रुप का, अब यहाँ पे ब्लू में आ गए और फिर अच्छा मार रही है। दो प्लेयर है एक्चुअली, 4v2 है। TWM का इजी चिकन है, गाड़ी मार देना। उसको पता है निंजा के ऊपर प्लेयर है, इस मुकाबले में उनके पास कुछ और बचा है करने को। चीनी लॉबस्टर धूम इधर मार रहा था उसको, वो मार दिया, उनको डाउन किया गया, और अब हीरो बचते हैं वो आखिरी खिलाड़ी खास, वो कर भी वेल प्लेड TWM यार, वेल प्लेड। बढ़ते नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि रहने वाला है मीरामार का। भाई गैलेक्सी फिर से जोन में आ गई है, जोन का शिफ्ट आया है, तो लेट्स सी। टी वालों को जादू वादू दिखाओ यार, कुछ चमकाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। गॉड बॉट खत्म भाई, GS पे लोग इतना शक करने लगे हैं कि वो खत्म ही हो जा रही है। कोई नहीं, TWM भी 7वें पोजीशन पे, 3 finishes का। जोन भी मिल गया पता है इनको, उनको एनिग्मा वाले को पुश करना ही था पता है जोन के लिए। अब गैलेक्सी भी बैकफुट पे भाई, अरे सौरभ निकालना था ये नॉक चाहिए था तुझे। काशी गया भाई, रॉकस्टार वो भी समाप्त कर देंगे। सौरभ बहुत ज्यादा ओपन से आने की कोशिश, सौरभ भी गया, उनको भी पनिश किया जाएगा। जेनेसिस 8 finishes के साथ, वेल प्लेड है। मात्र दो टीम और 7 टीटी एनिग्मा, 4v3 लेट्स गो। उन्होंने निकाले, दोनों अभी फिलहाल जोन में है, और अब बारते हुए दिखाई दे, कुणाल उधर आ भी गया है, लोग पीछे डोमिनेट करना पड़ेगा। हल्के में लोगे तो एनिग्मा पुश कर देगी पता है। ओके एडी नॉक, वो खुद सर्कल के अंदर, क्योंकि कुणाल जो पहले आया था उसको एडवांटेज मिल गया। कोई जोन में जा नहीं रहा पता है, दो स्क्वाड है, यही खत्म कर लेंगे। साकेत माय बॉय, 0 finishes के साथ है। कोई नहीं, आपको चिकन चाहिए इस बार, लेट्स गो साकेत। ई-स्पोर्ट्स के 7 finishes हमें देखने को मिल रहे हैं, ले जा एक दो किल ले जा साकेत। बस बैठे हुए कि आप आइए और हमें फिनिश कीजिए, चलिए एक खिलाड़ी को डाउन। साकेत को मिला कि नहीं, मिल गया, एक किल मिल गया। वेल प्लेड यार, वेल प्लेड टीटी। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ, जो कि रहने वाला है सेनो का। अरे मियां भाई कहां है, मियां भाई जाने की कोर्ट में बनी की बात करें वो आगे जाएंगे, उसको स्पॉट किया गया है। ओके, हिंदुस्तान गेमिंग एग्रेशन दिखाया था फिर से, उसके बाद से हल्के में हो गया। तो आरएनटी के पास अभी 2 ही किल है, पर स्ट्रांग है अभी फिलहाल। फियर से कहां खेल रहा है भाई, देखना ये दूसरा फिनिश जो जाता हुआ रेवेनेंट के खाते में भाई, बिल्कुल अलग खेल रहे हैं भाई ये लोग। ओए स्पॉटर जॉट बच गया, ओए नॉक हो गया, गलत जगह फंस गया। MJ भाई किल बटोर के ले गया भाई, जिस हिसाब से इस समय RNT खेल रही है ना, उस हिसाब से कोरियन सीरीज में खेलना चाहिए था इंसान को पता है। ओ मियां भाई नॉक हो गए फियरसे के सामने, ओके MJ किल बटोर रहा भाई, 4 finishes मिल गए।
वो आखिरी खिलाड़ी, उनको भी ये गड़बड़ जोन बन गया ना, जोन पे ही वेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान गेमिंग का एक प्लेयर है, निक ब्रो गलत था। अरे अब तुम गोली चला लो, आतंकी गया। बेहतर मुकाबला जाता जेनेसिस को देखो नीचे, मिडवे बहुत अच्छा कर रही है भाई, बहुत अच्छा है। अभी फॉर्म हुई टीम, ओ इजी किल से भाई, 9 फिनिशेस हो गए, 2 फिनिशेस पे हमने देखा था। घुस घुस मार रहे हैं, मार 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 मार। अपोलो वहां पे डाउन किए जाएंगे, क्या ये टेबल स्टोन होती हुई नजर आ रही है फियर्स उनको वहां पर। वो नहीं नहीं नहीं, इजी चिकन हो गया, वो नीचे जा नहीं रहे आरएनटी वाले, बना सकते हैं लेकिन वो गलत ग्रेनेड काफी ज्यादा आगे जाता हुआ नजर आया। आरू को डाउन करेंगे फियर्स और अब यहां पे वापस से सेंसे के कंधे पे सारी जिम्मेदारी। सेंसे अपना पोजीशन लिया हुआ था, कोई नहीं, पर 5 फिनिशेस के साथ फियर से ओके, इजी चिकन हो चुका है, इजी चिकन हो चुका है रेंटी का। 9 फर्स्ट एड यही रुकेगा, तो रिवाइवर मिल गया गाइस, रिवाइवल मिल गया। अब जायरो गॉड के पास भी फर्स्ट एड खत्म ही होने वाला होगा, बस 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 बॉयज बॉयज आरएनटी का हो गया चिकन डिनर, और पहला चिकन डिनर आ गया भाई फाइनली। कहीं टेबल टॉप पे तो नहीं आ जाएगी आरएनटी, लेट्स सी लास्ट में क्या होने वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ जो कि रहने वाला है विकेंडी का। ओके ओके, तो ब्लाइंड है गाइस, अभी लेट्स सी क्या होता है। हाइड्रा फिर से जोन में बॉयज, और ब्लाइंड जाएगी अब जोन में, लेट्स सी क्या होता है। 6 फिनिशेस के साथ है ब्लाइंड, 6 फिनिशेस के साथ ब्लाइंड है अभी, लेट्स सी अभी कौन चिकन डिनर लेने वाला है, क्योंकि जोन में है हाइड्रा और ब्लाइंड भी ऑलमोस्ट पहुंच जाएगी, बगल में ही है, लेट्स सी क्या होने वाला है। क्योंकि ब्लाइंड इस समय प्रायोरिटी दे रही है जोन को, उसके पीछे टीम है जीएच लेकिन उस पे नहीं जा रही है, लेट्स सी क्या होता है। यूपी 50 भी वेट कर रही है, जीएच वाले फंस गए गाइस, मुश्किल तो उनको भी होगा, यहां से जोन जाने में दिक्कत है बस। ओके एस पावर निकाल रहे हैं, वो ब्लाइंड वाले इधर ही से जाना चाह रहे हैं क्या, यूपी 50 साइड से, लेट्स सी। आराम से खेल खेल कर उन्होंने निकाल लिए, और अब सामने यूपी 50 की स्क्वाड है, स्पर्स भी मार रहा उधर, जोन मिल सकता है यूपी 50 को, लेट्स सी क्या होता है। यूपी के पास पोजीशन अभी अच्छी है जोन में, पता है चाहे ब्लाइंड को रोक सकती है, क्योंकि ब्लाइंड थोड़ा सा ब्लाइंड भी है ऑलमोस्ट जोन में। हाइड्रा के पास जोन आ गया यार, पूरा किल बटोरो। चलो एटलस नॉक दिया ब्लाइंड को, अच्छा रहा नहीं तो दूसरे मानने को, वापसी बनती भी थी। और ओके सरकार को स्पर्स नॉक किया है भाई, प्रबल दावेदारी वो पेश कर सकते हैं, ये दोनों को मार रहे हैं, यूपी 50 को भी मार रहे हैं, केएसआर को डाउन किया गया, मान्य उनको भी समाप्त कर दिया गया भाई। इस समय कोई पुश भी नहीं कर सकता, पता है पुश करेगा तो थर्ड पार्टी हो जाएगा तुरंत। और थोड़ा डैमेज उन्होंने दिया तो सही, पर अभी तक नॉक, क्या पोजीशन मिली हुई है। इस सबके बीच में टीम हाइड्रा एक बार फिर से वो आपको सर्कल के अंदर दिखाई देंगे। रेडी चला गया गाड़ी लेके इस जोन के अंदर, उन्होंने कमर बनाई रोनी, ओए बट स्टार बॉय दोबारा पीक नहीं करना चाहिए उनको, वो पीक करेंगे रोनी, थोड़ा वेट करना था ना रोनी। ओके यूपी 50 का अभी तो शून्य भाई, कहां पे आके बैठा हुआ है बताओ, इस पर पूरा 6 फिनिशेस मिल गया है, 9 फिनिशेस निकाले जा सकते हैं स्पर्श के द्वारा। इट्स 4v3 नाउ, लेट्स गो। वो तीसरा पायदान लेकर गए स्पिनों पर, उनके पास फिनिशेस नहीं आए, शून्य अंकों के साथ उनका एलिमिनेशन। एस पावर एचपी बहुत ज्यादा कम रहेगी, और देखना ये कि क्या ये 3 फिनिशेस निकाल पाएंगे स्पर्श, अगर वो निकालते हैं तब भी 9 होने वाले, पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हाइड्रा इस मुकाबले में वो चिकन निकालने वाले हैं। डियोरा उन्होंने डाउन किया इस वक्त नकुल को, एस पावर एचपी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया ब्लाइंड वालों का, एक हील बैठ खत्म, प्ले जोन से प्ले जोन के बाहर नॉक गया गया ज्यादा सही, ओए फिनिश ले लिया, चलो जी नहीं वो आखिरी खिलाड़ी को भी समाप्त किया, वेल प्लेड हाइड्रा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैप जो कि रहने वाला है इरेंगल का। चलो भाई जीएस वाले अभी भी स्ट्रगल, भाई इतना जीएस वालों के बारे में बोल दिया गया, बहुत आगे निकल चुके हैं। अरे यार एमवीपी की फाइट चल रही है बहुत तगड़े में। ओके ऑटोबॉट्स है अभी, ओ स्काउट बगल से ले जा रहा थंडर के, थंडर को वहां पे स्पॉट किया, शॉटगन चला भी दिया थंडर ने, ज्यादा देर तक अब वो वहां पे सरवाइव करने वाले हैं। थंडर सर गोली मारना नहीं था ना, क्या लगता है गाइस चिकन किसका हो रहा है, गॉडबॉट हिल बैटल कर रहा है और उनका ये ओ स्काउट नॉक हो गया ऑटोबॉट्स ऑन फायर, कम ऑन 5 फिनिशेस इस खिलाड़ी। अरे यार क्या हो रहा है इन लोगों के साथ, मार्कोस गेमिंग के साथ ऑटोबॉट्स के द्वारा भी दिखाई दे सकते हैं मिस्टर स्प्रे, अपने नेट में आ गया था मिस्टर स्प्रे करते हुए। दिक्कत की बात ये है कि इतने सारे स्मोक्स हैं कि बाकी जो खिलाड़ी हैं ऑटोबॉट्स के वो बाकी बचे हुए खिलाड़ियों को देख नहीं पाएंगे। एक बढ़िया ग्रेनेड का इस्तेमाल, गाड़ी कहां गई बे, डार्क लॉर्ड थोड़ा डैमेज ही ना, मुश्किल थी। अरे आ रहा है आ रहा है, पर देखना ये कि कौन कौन कुछ कर पाएंगे। जी रहा हुआ रिको, रिको के पास 6 फिनिशेस हो गए बॉयज, क्या ये ब्लैक का वो जो रिकॉर्ड, लेट्स गो इट्स 4v4 नाउ। अब
अभी भी आगे मार्कोस गेमिंग के चारों खिलाड़ी मौजूद। लेकिन भाई ऑटोबॉट्स ने पूरा घेर लिया उन्हें, घेर लिया पूरा खत्म है। स्काउट को फिर से स्पॉट किया जाएगा, डार्क लॉर्ड को वहां पे डाउन किया गया है। इनफैक्ट वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। स्काउट ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो एचपी, उनको ये लोग रुक के क्यों खेलते हैं इतना? डैमेज उनके ऊपर आया, पोजीशन अपना बनाना चाहिए तुरंत। शैडो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड ऑटो ऑटोबॉट्स खत्म कर दिए। वेल प्लेड यार, वेल प्लेड। अंडरडॉग मार रहा है, कम ऑन बॉयज। 7 finishes for Rico and 12 finishes for Audubon. So guys, video पसंद आई है तो like करना मत भूलना। और अभी GSP analysis चल रही है तो कुछ time बाद मैं भी उसकी video डाल दूंगा। तो अगर आपको जानना है कुछ तो please do hit the subscribe button, और अभी तक like नहीं किया तो भाई कर देना। मिलेंगे next video में, till then guys, bye bye, take care, peace.